नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो रिपेयरिंग कोर्स का आज 15 दिन है। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने पावर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, मल्टीमीटर के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको AC और DC के बारे में बताएंगे कि यह क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। पूरा प्रैक्टिकली हम समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DC, यानी DC की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट करंट। इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और इधर अपनी बात करेंगे AC की, अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डायरेक्ट करंट के उपयोग और ये देखते हैं कि हम इसे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे सेल है, बैटरी है, जो अपने मार्केट से जो सेल लेकर आते हैं, जो 1.5 वोल्ट का, जिसे हम घड़ियों में उपयोग करते हैं, दीवार घड़ियों में, तो उसमें क्या होती है, DC डायरेक्ट करंट। और जितनी भी हमारी बैटरियां हैं, जो छोटी से छोटी बैटरी, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, बड़ी से बड़ी बैटरी, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, कार, जीप, बस, जितनी भी बैटरियां हैं उनमें क्या होती है, DC सप्लाई, यानी DC करंट। तो इनके जो उत्पन्न करने के सोर्स हम कह सकते हैं, इसे सेल द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और बैटरियों द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है बैटरियां। और इसके अलावा जो सोर्स है वो है सोलर सेल। दोस्तों, सोलर सेल के बारे में आपको पता होगा कि जब हम सूर्य से ऊर्जा बनाते हैं, सूर्य से बिजली बनाते हैं, जैसे कि जो सोलर प्लेट्स जो होती हैं उनमें छोटे छोटे सोलर सेल लगे रहते हैं, तो उनका कार्य क्या है, उनका कार्य यह है कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसे DC में कन्वर्ट करना। तो यानी कि जो सोलर सेल हमारा जो है, जो हमारा सोलर सेल है, वो हमें आउटपुट में क्या देता है, DC करंट। उसके बाद में इसका एक और सोर्स है, वो है रेक्टिफायर। दोस्तों, रेक्टिफायर जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करती है, किसमें, DC में। तो अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करने वाली जो युक्ति है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। हिंदी में, प्योर हिंदी में इसका जो नाम है वो है दिष्टकारी। तो रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो क्या होता है, DC करंट। रेक्टिफायर इनपुट में लेता है AC, परंतु आउटपुट में देता है DC। तो ये तो बात थी इनके जनरेशन की, भी DC अपन किस तरह से, कहां से अपने प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं DC, थोड़ा सा क्या है, शोर आ रहा था इसलिए मैं चुप हो गया। तो जिसे कहते हैं DC जनरेटर। ये देखिए दोस्तों, DC जनरेटर से आपको पता चल रहा होगा, ये जो जनरेटर है जनरेशन से बना है। जनरेशन का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न करना। तो जनरेशन से ये शब्द बना है डीसी जनरेटर, यानी ऐसी युक्ति या ऐसी डिवाइस जिससे हम DC प्राप्त करें। तो दोस्तों, जितने भी हमारे वाहन है, बाइक्स, कार, जीप, तो उनमें DC जनरेटर लगा रहता है ताकि हमें DC सप्लाई मिलती रहे। तो उनमें जो बैटरियां लगी रहती है उन्हें चार्ज करने भी के लिए भी हमें DC सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है कौन, DC जनरेटर। अब देखिए, ये तो थे हमारे सोर्स जिनके द्वारा हम DC को उत्पन्न कर सकते हैं या फिर DC को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, उपयोग कहां कहां की जाती है DC। तो दोस्तों, DC का जो उपयोग है वो सबसे पहले जो हमारे वाहन है, वाहन में जो बैटरियां लगी रहती है वो उसमें DC सप्लाई होती है, और 12 वोल्ट की जो बैटरी है लगी रहती है उसमें DC सप्लाई होती है। और वाहन में जितने भी उपकरण लगे रहते हैं, जैसे कि जो लाइट्स हैं, हमारा हॉर्न है, और उसके बाद में जो हमारा स्टीरियो प्लेयर है या फिर स्पीकर्स हैं, जितने भी हमारे वाहन के अंदर जो डिवाइस लगे हुए हैं वो DC सप्लाई पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो उसका उपयोग है वो है वाहनों में। अब दोस्तों, बात आती है कि वाहनों में हम DC सप्लाई ही क्यों यूज करते हैं, AC सप्लाई भी तो यूज कर सकते हैं।
तो क्योंकि इसका जो आंसर है वो ये रहेगा कि डीसी जो सप्लाई है उसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसे हम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, किसमें? बैटरियों में। इसी कारण हम वाहनों में डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं, वाहनों में इसका उपयोग है। उसके बाद में जो बच्चों के जो खिलौने हैं उनमें भी हम सेल डालते हैं, बैटरियां डालते हैं, उन्हें चार्ज करते हैं, तो खिलौनों में भी इनका उपयोग किया जाता है। खिलौनों में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जितने भी हमारे डिवाइस हैं अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि जो मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी भी है, वो भी डीसी पर कार्य करता है। तो ये सारे के सारे जो डिवाइस हैं ये डीसी पर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अब इसे उत्पन्न कौन करता है? अब देखिए, इसे जो सबसे पहला जो सोर्स है वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर नाम से पता चल रहा है कि ऐसी युक्ति जो अल्टरनेटिंग करंट हमें आउटपुट में दे वो कहलाता है अल्टरनेटर। और उसके बाद में इसे उत्पन्न करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ओसिलेटर की। जो ओसिलेटर है, ओसिलेटर द्वारा ही भी हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। ओसिलेटर्स, जितने भी ओसिलेटर है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। और उसके बाद में जो सबसे मेन जो युक्ति है वो है इन्वर्टर। देखिए दोस्तों, इन्वर्टर जो है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में हमें देता है। अब देखिए कैसे। तो दोस्तों, इन्वर्टर के पास जो बैटरी रखी होती है उसमें क्या होती है? डीसी सप्लाई। अभी मैंने आपको बताया डीसी सप्लाई, परंतु जो बैटरी के पास में जो इन्वर्टर रखा होता है, जिसे यूपीएस भी कहते हैं, उसका क्या रखा होता है कि जो उसमें डीसी सप्लाई जो है बैटरी के अंदर, उसे चेंज करना किसमें? एसी सप्लाई में। और जब वो एसी सप्लाई में चेंज होगी तो हम उसे हमारे घरों में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टर भी इसे उत्पन्न करता है। तो ये थे इसके उत्पन्न करने के उपाय। और जो हमारे जो घरों में आती है वो भी एसी ही सप्लाई होती है। उसका मान आप याद रखें, घरों में जो सप्लाई आती है उसका जो मान है वो है 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक। और इसका जो स्वभाव है वो है अल्टरनेटिंग करंट का, यानी एसी सप्लाई हमारे घरों में आती है। अब देखिए दोस्तों, घरों में एसी सप्लाई आती है तो इसका अगर हम यूज की बात करें तो यूज क्या है? घरों में जितने भी उपकरण हैं, पंखा हुआ, कूलर हुआ, गीजर हुआ, फ्रिज हुआ, तो उनमें एसी सप्लाई ही की हमें जरूरत पड़ती है। वो सारे के सारे जो उपकरण है एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। और दोस्तों, जितने भी हमारे घरों में उपकरण है जो कि डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, उनमें विशेष प्रकार का कन्वर्टर लगा रहता है जिसे कहते हैं रेक्टिफायर। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है रेक्टिफायर। अब जैसे कि एग्जांपल अपने लेते हैं एलईडी का, जिसे एलसीडी और एलईडी दोनों एक ही बात है। तो एलसीडी जो है हमारी, वो दरअसल क्या करती है? डीसी सप्लाई पर कार्य करती है। परंतु हमारे घरों में क्या आती है? एसी सप्लाई। हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है। अब देखिए दोस्तों, उस एलईडी के अंदर एक विशेष प्रकार की एसएमपीएस सप्लाई लगी रहती है, जिसमें क्या होता है? रेक्टिफायर लगा रहता है। वो रेक्टिफायर क्या करता है कि जो हमारे घरों में एसी सप्लाई आई है उसे चेंज करता है डीसी सप्लाई में। उसके बाद वो उस सप्लाई को एलसीडी में आउटपुट देता है। तो ये तो बात थी अल्टरनेटिंग करंट की, और ये बात थी डीसी करंट की। ये इसकी बेसिक नॉलेज थी, एसी करंट और डीसी करंट, इनका उपयोग और हम इन्हें किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट जो है उसे हम समझते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां नीचे ही इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले डीसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, जीरो और प्लस, यहां पर माइनस की वैल्यू है। ये देखिए दोस्तों, इस एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? एक्स और वाई। ये जो डीसी सप्लाई है, अब देखिए इसका जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा आ रहा है, बिल्कुल सीधा, सीधी लाइन का इसका जो ग्राफ है वो आता है। तो इसका मतलब जो है,
अगर इसका ग्राफ सीधा है, इसका मतलब ये है कि जो डीसी करंट है वो हमेशा फिक्स रहती है, ये फिक्स लाइन आ रही है, फिक्स रहती है। तो इसके अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन बोलूंगा, तो ये कहूंगा कि ऐसी सप्लाई जिसका मान स्थिर रहे, तो वो हमारी कहलाती है डीसी करंट, स्थिर रहे, जिसका मान चेंज ना हो और जिसकी दिशा भी चेंज ना हो। अब इसकी दिशा अगर चेंज होती तो क्या होती, अब देखिए दोस्तों, ये इसकी दिशा जो है वो प्लस में है, उसके बाद में अगर दिशा इसकी माइनस में चली जाए तो ये कुछ ग्राफ नीचे माइनस में आ जाएगा, परंतु डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी में ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सीधा जाता है, तो इसकी दिशा चेंज नहीं होती और करंट का मान भी कभी चेंज नहीं होता, वो होता है डीसी सप्लाई। अब बात करते हैं एसी सप्लाई में के ग्राफ की। तो अगर मैं एसी सप्लाई के ग्राफ की बात करूं तो जो एसी सप्लाई का जो ग्राफ है वो देखिए कुछ इस तरह आता है, कुछ इस तरह आता रहता है। यहां पर प्लस में वैल्यू, एसी करंट की वैल्यू प्लस में, और यहां पर माइनस में। अब ये देखिए यहां पर जीरो वैल्यू है, प्लस माइनस। ये देखिए कि एसी सप्लाई जो है अपना मान धीरे 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 बढ़ा रही है, उसके बाद में घटा रही है, उसके बाद में घटने के बाद में जीरो के बाद में वापस जो मान है वो माइनस में जा रहा है। अब माइनस में जाने के कारण क्या है कि इसकी दिशा भी परिवर्तित होगी, पहले इसकी दिशा थी जीरो से प्लस, अब जीरो से माइनस की दिशा होगी इसकी, यानी कि इसकी दिशा जो है वो चेंज होगी और यहां पर दिशा फिक्स थी। यानी कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा या फिर बोलूंगा डेफिनेशन, तो ये बोलूंगा कि ऐसी सप्लाई जिसकी दिशा व मान दोनों समय के साथ चेंज हो, तो वो हमारी कहलाती है एसी सप्लाई। क्या कहलाती है? एसी सप्लाई। और हमारे घरों में जो एसी सप्लाई का स्वभाव है वो कुछ इसी तरह से है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने एक बात और सुनी होगी कि इंडिया में जो आवृत्ति का मान है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान है, फ्रीक्वेंसी का जो मान है वो है 50 हर्ट्ज। अब ये क्या चीज है, ये देखिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। तो एसी का जो एक साइकिल है, अब देखिए दोस्तों, एक साइकिल क्या होता है, एक चक्कर क्या होता है, सबसे पहले उसे देखते हैं कि अगर मैं एक चक्कर बनाऊं तो ये होता है एक चक्कर, ये एक पूरा चक्कर है, हालांकि ये गोल नहीं बना, ये एक चक्कर है पूरा। अब मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, और यहां से घूमते हुए वापस मैं इसी पॉइंट पर अगर आ गया तो वो मेरा क्या कहलाता है, एक चक्कर कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं ये जो नीचे वाला भाग है, इस भाग को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा। और इसका अगर एक चक्कर मैं देखूं तो यहां से लेकर वापस यहां आऊंगा तो वो एक चक्कर कहलाएगा। अब देखिए इसके अगर एक चक्कर की बात करें तो वो यहां से लेकर यहां तक, तो इसका जो एसी का जो एक साइकिल है वो जीरो से लेकर यहां तक इसका एक साइकिल पूरा होता है। अब इस 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, इस 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि एक सेकेंड में ये जो चक्कर है ये 50 साइकिल पूरे हो रहे हैं, 50 चक्कर जो है वो एक सेकेंड में एसी धारा में पूरे हो रहे हैं। किसमें? हमारे इंडिया में। यानी कि ये जो इसकी जो इतनी स्पीड है हमारी, जब हम पल के झपकाते हैं उस समय अब जो एसी धारा है वो अपना मान कई बार चेंज कर चुकी होती है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो प्लस माइनस इसी तरह दोलन करती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये हर्ट्ज के बारे में कि एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करना, एक चक्कर यहां तक है और ऐसे 50 चक्कर एक सेकंड में एसी जो है वो पूरा कर देती है। इसका मतलब एक सेकंड में इसका जो मान है प्लस माइनस, एक चक्कर में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 50 चक्कर में 100 बार एसी का मान प्लस माइनस होता रहता है। तो यह था हर्ट्ज के बारे में। हर्ट्ज तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जिसे कहते हैं, वो है 50 हर्ट्ज। अब बात करते हैं डीसी में डीसी में फ्रीक्वेंसी। अब डीसी में देखिए दोस्तों, कोई साइकिल ही नहीं है, इसका मान जो है बिल्कुल फिक्स सीधा जा रहा है।
अब जब इसका मान सीधा जा रहा है तो इसमें कोई साइकिल नहीं है, कोई चक्कर नहीं काट रहा, इसका धारा का मान माइनस में भी नहीं जा रहा, दिशा भी नहीं चेंज हो रही, तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी का मान है, कोई साइकिल भी नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी का मान जो है वो होता है शून्य, जीरो। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो डीसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो जीरो हर्ट्ज होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई के बारे में बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद में अपने थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि किस टाइप की, इसके भी दो तीन टाइप्स हैं और इसके भी दो तीन टाइप्स हैं, तो उन्हें भी अगर अपने समझ लें तो ये जो एसी डीसी का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा और उसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो चलिए करते हैं, अब इनके हम टाइप पढ़ते हैं, इनके अपने टाइप्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों डीसी का सबसे पहला जो टाइप्स है वो है प्योर डीसी, प्योर डीसी, एकदम शुद्ध डीसी, एकदम शुद्ध डीसी। तो शुद्ध डीसी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल सीधा अभी अपनों ने किया था। डीसी में देखिए दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, है ना, और ये इसके प्योर डीसी का है। और अपने को प्योर डीसी कहां से मिलती है, वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ सेल और बैटरियों से। ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्कुल प्योर डीसी है वो सिर्फ और सिर्फ सेल और बैटरियों से मिलती है, इसके अलावा किसी भी डिवाइस से हमें 100% शुद्ध डीसी नहीं मिलती। हालांकि 98% भी मिल जाती है, परंतु 2% जो रिपल्स है फिर भी रह जाते हैं, परंतु जो सेल और बैटरी है उसमें 100% शुद्ध डीसी हमें मिलती है। उसके बाद में इसका जो सेकेंड टाइप है वो देखिए, वो है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी। ये देखिए दोस्तों पल्सेटिंग डीसी, यहां पर ग्राफ प्लस में इसका मान, यहां पर माइनस में, बीच में जीरो। अब डीसी की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसी सप्लाई जिनका जिनका मान और दिशा दोनों समान रहे, स्थिर रहे। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें ये जो सप्लाई है इसमें जो मान है वो तो चेंज हो रहा है, परंतु इसमें जो दिशा है वो नहीं चेंज हो रही, क्योंकि नीचे माइनस है, ये वैल्यू माइनस में नहीं जा रही। अगर ये वैल्यू माइनस में जाती तो इसकी दिशा भी चेंज होती, तो दिशा चेंज नहीं हो रही, तो इसे हम डीसी कह सकते हैं। परंतु किस टाइप की डीसी है, ये है पल्सेटिंग डीसी, या फिर इसे कहते हैं इनप्योर डीसी, ये प्योर नहीं है, तो पल्सेटिंग डीसी। तो ऐसी डीसी हमें किससे मिलती है, ऐसी डीसी हमें मिलती है किससे, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में चेंज करे वो है रेक्टिफायर। तो ऐसी डीसी जो हमें मिलती है वो मिलती है रेक्टिफायर से, रेक्टिफायर से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो हमारा डीसी जनरेटर है वो भी पल्सेटिंग डीसी ही उत्पन्न करता है, हालांकि हम उस पल्सेटिंग डीसी के आगे फिल्टर लगा के, संधारित्र वगैरह या फिर इंडक्टर लगा के, इंडक्टर संधारित्र का फिल्टर परिपथ लगा करके हम उनको फिल्टर कर लेते हैं, परंतु जो उनके जो उनसे जो आउटपुट मिलती है वो पल्सेटिंग ही होती है, रेक्टिफायर से या फिर डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर से। तो इसका सेकेंड टाइप था डीसी का, फर्स्ट और सेकेंड टाइप। हाँ, उसके बाद में एक और है जो थर्ड टाइप इसका है, वो यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है, ये ग्राफ है कुछ इस तरह से। तो इस टाइप की जो डीसी कहलाती है वो कहते हैं परवर्ती मान की डीसी, या फिर वेरिंग डीसी इसे कहते हैं, वेरिंग डीसी, वेरिंग डीसी, जिसका मान हमेशा चेंज होता रहे। तो ये थे तीन प्रकार डीसी के, प्योर डीसी, इनप्योर डीसी या फिर पल्सेटिंग डीसी इसे कह सकते हैं, उसके बाद में वेरिंग डीसी, ये था। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के टाइप्स की। तो सबसे पहला जो टाइप्स है जो हमने पहले बनाया था वो ये कुछ इस तरह से, जिसका मान स्मूथली चेंज हो रहा था। तो इस प्रकार की जो वेव है वो कहलाती है साइन वेव। तो ये हमारी एसी जो है वो है साइन वेव एसी, साइन वेव प्रकार की एसी।
और ये जो साइन वेव है यही हमारे घरों में आती है, ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप जो है वो है स्क्वायर वेव, वर्गाकार वेव जिसे बोलते हैं, ये भी एसी है, वर्गाकार वेव ये भी एसी ही है, इसे कहते हैं वर्गाकार वेव। तो दोस्तों ये तो हमें अल्टरनेटर से प्राप्त होती है, परंतु ये जो वर्गाकार वेव है ये हमें प्राप्त होती है किससे, इन्वर्टर से। अब आपके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करने वाला हूं, ये हमें किससे प्राप्त होती है, किससे, इन्वर्टर से, इन्वर्टर से। अब देखिए दोस्तों, जब कभी गर्मियों में लाइट जाती है तो आपने देखा होगा कि जब भी इन्वर्टर पर जितने भी उपकरण चलते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी नॉइस आती है, थोड़ी थोड़ी आवाज करते हैं वो इन्वर्टर पर, तो उनका आवाज करने का कारण यही है कि जो इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो शुद्ध साइन वेव नहीं है, हमें चाहिए साइन वेव, वो शुद्ध साइन वेव नहीं है, वो है वर्गाकार वेव। इसी कारण जो पंखे हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं हमारी, इन्वर्टर पर आवाज करते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर जो है उत्पन्न करता है, ये करता है वर्गाकार वेव। तो आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं जो बढ़िया क्वालिटी के, वो लगभग साइन वेव उत्पन्न कर देते हैं, परंतु जो जो अच्छे क्वालिटी के इन्वर्टर नहीं है, जो पुराने जो इन्वर्टर है, वो सारे के सारे स्क्वायर वेव उत्पन्न करते हैं। ये था स्क्वायर वेव। इसके बाद में इसका थर्ड टाइप जो है, एसी भी कई प्रकार की होती है दोस्तों, थर्ड टाइप जो है वो है ट्रायंगुलर एसी। ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार, ये देखिए त्रिभुज बन रहे हैं ना, त्रिभुजाकार। और इसका जो फोर्थ टाइप है वो है दांते प्रकार का, दांतेदार इसे कहते हैं, वैसे कहते हैं सॉटूथ वेव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दूं अच्छे से, कुछ इस तरह से। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये देखिए इसमें दांते से दिख रहे हैं ना, परंतु इसमें क्या है, त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुजाकार और ये दांते प्रकार। और ये दोनों ही प्रकार की जो एसी वेव है ये हमारी कौन उत्पन्न करता है, वो है ओसिलेटर, जिसे कहते हैं दोलित्र। इसे कौन उत्पन्न करता है, ओसिलेटर। इसे यहां लिख देता हूं, ओसिलेटर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिवाइस है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल की एक खासियत है कि हम थ्योरी तो करवाते हैं परंतु उसके साथ साथ जो उनके इनसे जो रिलेटिव प्रैक्टिकल है वो भी हम करवाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के प्रैक्टिकल्स देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, हमारे प्रैक्टिकल्स भी देखिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल को